ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੋਹਾਲ ਵਿਖੇ JCT ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਦਪੁਰਨੀ ਮਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਕਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਹਮਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਫਸਾਊਗਾ। ਇੱਕਦਮ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਥੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੈਗ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਇਨ ਲੋਕੋ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪ ਲੋਕੋ। ਅਭੀ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਮ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਕੇ ਲਈ, ਹਮਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਲੀਅਰ ਕੀਜੀਏ ਜਿਤਨਾ ਹੈ, ਹਮੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਹਮ ਲੋਕ ਕਹਾਂ ਜਾਏਂਗੇ? फिर अब ऐसे भी कहाँ जाएंगे इस टाइम सर, हमारे बच्चों के लिए 4-4 साल कोर्स के लिए रहते हैं, 27-28 साल हमारे यहाँ नौकरी करते हो गए हैं, आज एंड टाइम पे इन्होंने हमें धोखा दे दिया, ताला लगा दिया है, ना हिसाब दे रहे हैं, 12-12 महीने हो गए तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, 15-15 महीने हो गए ओवर टाइम नहीं दिया है, हम जाएं पर जाएं कहाँ, अब इस टाइम पे बोलेंगे कि तुम जाओ ताला लगा दिया, कहाँ जाएं हम लोग, कहाँ हमारे हिसाब दो या हमें नौकरी दो, हमारे बच्चों को पढ़ाई का तक यहाँ हमें रहने दो, हम कहाँ जाएंगे, ना हम घर के लिए ना घाट के लिए, 27-28 साल हमने यहाँ दे दिया है, हम जाएं कहाँ, इन लोगों को हमें यही मांगे कि हमारे हिसाब दो, हमें नौकरी दो, हमारे बच्चों को यहाँ रहने दो, हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बस हम लोगों की ये, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हम ये धरना नहीं तोड़ेंगे, हम बैठे रहेंगे। अंदर वाले लोग आए हैं, हम थोड़ी काम करने के लिए मना कर रहे हैं, इतने सारे वर्कर दुनिया बिना काम के निकले हैं ना बाहर, अगर काम हो तो क्यों निकले कोई बाहर, 1200 आदमी 3000 रुपया इन्होंने डाला है कि 3000 सारा कुछ हो जाएगा, राखी पे 3000 क्लियर कर ली, हम लोगों को पता चली तो उन लोगों की 1-1 लाख सैलरी हमारी 10-10 हजार नहीं है तो हम उसमें कैसे पेट चलाएंगे, उन लोगों ने सारी पेमेंट अपनी पूरी कर ली, हम लोग फंसे हैं केवल केवल वर्कर मर रहा सर, और कोई भी यहाँ नहीं मर रहा, फैक्ट्री मैनेजर ने सारा अपना क्लियर कर लिया, आज उसके बाद आज बोल रहे हैं कि फार्म खाली करो, भगवान यहाँ से बोले सर हम लोगों की पूरी कमाई इसी में चली, मेरे बच्चे पढ़ रहे, आदमी बीमार पड़े, कोई आदमी हार्ट का है, कोई किसी को, सर हम कहाँ जाए, कोर्स रह गए 3-3 साल कोर्स रह गए, कहाँ जाए, सारे लेडीज हैं, हम लोग लेबरी हैं, हाँ लेबरी हैं सर सारे, और कोई नहीं आया है, नहीं अधिकारी कोई नहीं है, सब लेबरी हैं, जो वर्कर है वही सब आए हैं रोड पे, अब 3-3 हजार दिए, अब हमारे पीछे और भी बैठे हैं, क्या वो 3000 में हो जाएगा, क्या उनको हम जहर दे दें या बोल दें, 6-7 हजार मिलती है सर, इससे ज्यादा ज्यादा नहीं मिलती है, वो भी रोक के रखी है, आज डालेंगे कल डालेंगे परसों डालेंगे, छोटे छोटे बच्चे पूछो क्या क्या नहीं मांगते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े दिन रुको हम सर उसमें अभी समझ के आ जाते हैं, लेकिन वही बात एक लालच है कि मान लो हम काम हमें कहाँ जाएंगे बच्चे लेके, रोज फोन आ रहा है स्कूल से, हम बच्चों की फीस तो कहाँ से दें, ये बच्चे छोटे लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ खिलाएंगे, कहाँ पिलाएंगे, आप लोग बताइए, मेरे पास जाने के लिए पैसा नहीं है, पैसा नहीं है हम लोग कहाँ जाएंगे, दूर दूर से लोग बच्चे 18 महीने का तनख्वाह हो गया, ओवर टाइम हो गया, ये नहीं आए दिलासा दे रहा देंगे कल देंगे, ये नहीं है काम करने के लिए, कोई भी वर्कर मना नहीं किया, यही ताला मारे अपनी मर्जी से, ताला मारे काम नहीं बता बजा की वजह से, नहीं की वजह से सारे लोग सड़क पे आए हैं, काम होता तो निकलते कोई बाहर, उसके हाथ में सांप आ गया काट देगा, उसके घर वालों को देगा सैलरी के लिए नहीं है, ना ये कहना मान रही, क्योंकि ये मेन रोड पड़ता है, यहाँ पूरी जो हिमाचल से ट्रैफिक आती है इधर पंजाब से आती है, इसलिए जाम लगा हुआ है, हम इनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, जो आपका मसला है हम आपका मसला हल करने के लिए ही पहुँचे हैं यहाँ, तो वो मसला आपका हल करेंगे, लेकिन आप बैठ कर बात कीजिए और रोड खाली कीजिए, वर्कर कहते की है इस टाइम, वर्कर यही कह रहे हैं कि सानू तनख्वाह नहीं मिली, कुछ समय की सानू तनख्वाह नहीं मिली, वो नहीं दस्सिया ने क्लीयर कि सानू कुछ समय तो तनख्वाह नहीं मिली, इस करके आप जो रोस प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, पर इन्हों रोड जाम नहीं करना चाहिए, दूसरी पब्लिक जी है वो परेशान हो रही है, असं उन्हें गल करने की कोशिश की, पर इन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड है वो नंबर प्रोवाइड नहीं कर रहे, मानयोग SHO सदर जी है वो गल करने वास्ते अंदर गए हैं, वो आ रहे हैं, ये मसला बस 5-7-10 मिनट के ही हल हो जाए, मजदूरों वालों सारा दिन जाम लगा रखिया, सड़क बंद कर रखी, जिसके चलते हुए लंबा जाम लग गया, लोगों को परेशानी हुई, जिसके चलते हुए मजदूर पुलिस के बीच झड़प देखने मिली, क्योंकि पुलिस वालों जाम खुलाने के चक्कर के
मजदूरों को सड़क तो उठाया जा रहा है। काफी ने ऊपर जाना मेरा घर है।